अब समझ आ रहा है कि पास्ता कैसे बनता है। अच्छा है ना, अब कम से कम तुम समझोगे कि मम्मा कितनी मेहनत करती हैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, है ना शिनचैन? वैसे मुझे लगता है कि आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है मम, सुपरमार्केट में इतना सारा पास्ता मिलता तो है ही। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना पता नहीं है क्या? शायद तुम भूल गए हो शिनचैन, इस महीने तुम एक बार भी नहीं नहाए हो। कुछ याद आया? सास बहू की सीने वाले मीर की तरह मेरी याददाश्त चली गई है। चुप हो जाओ। देखो अगर तुम नहाओगे नहीं तो तुम्हारी बॉडी में से गंदी बदबू आएगी और कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। उसे बदबू नहीं खुशबू कहते हैं। अच्छा मुझे टीवी देखने दो। तुम्हें पता है शेर कितना ताकतवर होता है? प्रिंसिपल सर। इधर आ जाओ। अरे वो उस तरफ गए होंगे, उस तरफ चलो, उस तरफ चलते हैं, उस तरफ। ये समाचार नोहारा फैमिली के बारे में है। नोहारा फैमिली अब भी हाथ नहीं आई है। फैमिली ने अपना घर छोड़ दिया। ये तो हमारा घर है। कहीं शहर में मौजूद। अरे हाँ, अभी तो एक्शन कामिन भी आ रहा होगा। शहर में दिखते हैं तो फौरन पुलिस को। ऐसे में भी तुम एक्शन कामिन की सोच रहे हो? तुम ठीक तो हो ना मिमिको? अगर इस दुनिया में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ एक्शन कामिन है। बच्चों प्रोग्राम के बीच में आपको एक जरूरी जानकारी देनी है। इसकी शक्ल ध्यान से देख लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसका नाम है शिनचैन नोहारा और ये बच्चा एक मुसीबत है। इसका मतलब हुआ ये बहुत ज्यादा शरारती है। बच्चों आइए आज सब मिलकर शिनचैन नोहारा को पकड़ते हैं। अगर हमने इसे नहीं पकड़ा तो दुनिया की शांति चली जाए। शिनचैन क्या हुआ? शिनचैन क्या कर रहे हो तुम? मैं अलसी अलसी खेल रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। आज क्या तुमने शीरो को खाना दिया? वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया आज। जाओ उसे खाना दो। ओके अभी देता हूँ।